अस्सलाम वालेकुम गाइस, असद याकूब हियर। आज मैं आपको अपने साथ एक एडवेंचर पे लेके जाऊंगा। ओके, विल गो ऑल द वे टू अ प्लेस और वहां जाके मैं आपको कुछ चीजें जो हैं वो दिखाऊंगा। सो बी विथ मी एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन अ लिटिल एडवेंचर। At the moment I'm here in the graveyard and there are several graves here, like there are so many people who used to think that life is impossible without them, but now life is possible all without them. This has been my habit since my father passed away, that whenever I come to the graveyard, I've got these seats along with me. Like there are thousands of graves over here, and in the evening I usually come to the grave of my father. ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, मेरे father की grave है और मेरे father को मुझसे बिछड़े हुए 3 साल और तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं। 29th November 2020 when I lost my father, and ever since I've been coming to his grave। मैं तकरीबन हर रोज़ आता हूँ, कभी कभार कोई एक दो दिन अगर गैप आ जाता है तो फिर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, इस ग्रेव यार्ड की एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे एक पेयर है हेजहॉग्स का। हेजहॉग्स नहीं, जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, तो वो एक पेयर है हेजहॉग्स का। और वो क्या करते हैं, कब्र में से मुर्दों को निकालते हैं, मतलब ग्रेव के अंदर जाते हैं और जो उनकी हड्डियां वगैरह होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो उसकी कुछ वीडियोस भी इन्होंने दिखाई थी। अब वो उनमें से एक हेजहॉग को तो इन्होंने मार दिया है, बट स्टिल वन हेजहॉग इज़ अलाइव। और वो क्या करता है, कब्र के अंदर जाके ना जो इंसान की बाकियात रह जाती हैं, उसमें हड्डियां वगैरह रह जाती हैं, तो उन हड्डियों को ये हेजहॉग जो है वो बाहर निकालता है। क्वाइट स्केयरिंग, फियरिंग, इंटिमिडेटिंग, क्योंकि मरने के बाद सब ने कब्र में जाना है, राइट? बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरा बिलीफ है, तो ये चीज़ें बाज़कत बड़ी इंटिमिडेटिंग हो जाती हैं। और यहाँ आके मुझे वाकई फ़ील होता है कि मैं अपने फादर से मिल रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे ग्रेवयार्ड में आता हूँ तो मुझे मेरे फादर नज़र आते हैं और मुझे उनका एहसास होता है, मुझे उनकी फीलिंग आती है। इस वाले ग्रेवयार्ड में मेरे बहुत सारे दोस्तों की ग्रेव्स हैं और बहुत रिलेटिव्स हैं जो हमारे इस एरिया में रहते हैं, उनकी ग्रेव्स हैं। और उसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि इस ग्रेवयार्ड के अंदर एक मस्जिद भी है और उस मस्जिद में लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और मस्जिद में जब अज़ान की आवाज़ आती है तो वह अज़ान की आवाज़ पूरे ग्रेवयार्ड में जो है वो फैल जाती है। तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे इस ग्रेवयार्ड के जो मुर्दे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर दफन हैं, वो सब लोग उस अज़ान को सुनते हैं और फिर मुझे ये भी लगता है कि वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। मैं एक दफ़ा इधर जो मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ रहा था और ऐसी मुझे फीलिंग आई, जो ग्रेवयार्ड की मस्जिद में जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे फीलिंग आई कि इस नमाज़ में मेरे फादर भी साथ शामिल हैं। तो बल्कि मैंने नमाज़ के बाद इधर उधर देखा, मुझे ऐसी फीलिंग थी कि मेरे फादर जो हैं वो भी नमाज़ में हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन वो नहीं थे। तो वो इतना अच्छी फीलिंग आती है इस ग्रेवयार्ड में आके। ओके जी, चलते हैं। रमज़ान का महीना है और इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स की फॉर्म में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ वेरी सून आई विल कम बैक टू यू एंड देन वी विल हैव मोर व्हाट यू सी एक्सप्लोरेशन एंड मोर थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड ऑल द बेस्ट। और फाइनली मैं घर वापस आ गया हूँ। ओके, या दैट वाज अ लिटिल एडवेंचर आउट देयर। गाड़ी में तो हम लोग हमेशा जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं, तो कभी कभार जो है वो
पैदल भी जाना चाहिए और पैदल जाके इंजॉय भी करना चाहिए। ओके okay?